नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान, पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कि 1 जनवरी 2025 तक प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा में एक युवक की मौत के बाद दूसरे दिन भी हिंसा और आगजनी, वाहन के शोरूम समेत कई दुकानों को आग के हवाले किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बहराइच हिंसा पर मांगी रिपोर्ट। पुलिस को पदरियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। कहा, आरोपियों को जल्द से जल्द करें गिरफ्तार। 30 लोग हिरासत में, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बहराइच में बढ़ के हिंसा में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस के अलावा पीएसी की 10 कंपनियां तैनात। पुलिस की सक्रियता पर उठे सवाल। त्रिशूर पूरम उत्सव के दौरान एक एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री, अभिनेता और भाजपा नेता सुरेश गोपी के खिलाफ जांच शुरू। पुलिस ने बताया, भाकपा के एक नेता की शिकायत के आधार पर सुरेश गोपी के खिलाफ शुरू की गई है जांच। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बड़ी घोषणा। मुंबई में प्रवेश के लिए सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाब्जमी हत्याकांड का गिरफ्तार आरोपी पुलिस रिमांड पर। मुंबई की अदालत ने तीसरे गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोडकर को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की अफवाह। यह फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। धमकी की खबर के बाद आनन फानन में विमान को हवा में ही दिल्ली के लिए डायवर्ट कर दिया गया था। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति की बैठक का किया बहिष्कार। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि समिति नियम कानून के अनुसार काम नहीं कर रही है। कर्नाटक में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल एम खड़गे को लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बुदान से जुड़ी पार्टी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रेरणा से भूहड़प आंदोलन चला रही है। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में खान की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि लीज रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका शीर्ष अदालत ने की खारिज। कानपुर के पनकी इलाके में रुमाभौती फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। तेज गति से जा रहे दो ट्रकों के बीच एक कार के फंस जाने से इंजीनियरिंग के 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में भाजपा के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था लगभग फाइनल है। चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। अभिनेता बाला गिरफ्तार। मलयालम फिल्म अभिनेता बाला को उनकी पूर्व पत्नी और उनकी बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, अभिनेता पर सोशल मीडिया के माध्यम से मानहानि, नारीत्व का अपमान और बच्चों के प्रति क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले में सोमवार को 2 बच्चों समेत एक परिवार के 4 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। घटना चुट्टानिकारा इलाके में हुई। पति पत्नी दोनों शिक्षक थे। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका इलाके में दुर्गा पूजा उत्सव के समापन के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हिंदू समुदाय के सदस्यों की रविवार रात पुलिस के साथ झड़प। पुलिस अधिकारी सहित 3 लोग हुए घायल। अराजक तत्वों ने बूढ़ी गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर ईंटें फेंकी थी जिससे भगदड़ मच गई। HCLTech का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 10.51% से बढ़कर 4,235 करोड़ रुपए रहा। HCLTech ने बताया, दूसरी तिमाही में राजस्व सालाना आधार पर 8.21% से बढ़कर 28,862 करोड़ रुपए हो गया। आईटी और बैंक शेयरों में तेजी से बीएसई सेंसेक्स में तेजी आई। सेंसेक्स 592 अंक उछलकर 81,973 अंक पर हुआ बंद। इनसे निफ्टी भी 164 अंक की बढ़त के साथ 25,128 अंक पर हुआ बंद। काजोल और कृति सेनन की फिल्म दो पत्नी का ट्रेलर हुआ रिलीज। मर्डर मिस्ट्री फिल्म में डबल रोल निभाएंगे कृति सेनन। पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगी काजोल। 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। रजनीकांत की फिल्म विक्टियन हुई 100 करोड़ के क्लब में शामिल। 4 दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किया 104 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन। फिल्म में 33 साल बाद एक साथ नजर आई है रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की जोड़ी। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।